नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अपनी ज़िंदगी के कुछ मिनट दे दीजिए जिससे शायद आपको वो मिल जाए जिसे कई लोग पूरी ज़िंदगी भर नहीं ढूंढ पाते, उस चीज़ को पैशन कहते हैं। इस वीडियो में मैंने बताए हैं वो 8 पॉइंट्स जो आपको आपके पैशन को ढूंढने और पहचानने में मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ में, जो कहता है पैशन रिटर्न्स, मतलब आपका पैशन पलटकर वापस आता है। एक्सपर्ट्स की माने तो बहुत से लोगों में उनका पैशन उनके अंदर छुपा होता है और कई बार उनके सामने आकर उनसे बात भी करता है। एक बेहद पॉपुलर यूट्यूबर हैं जो मूवी रिव्यूज़ करते हैं। उन्होंने कहा बचपन में मूवीज़ के बारे में पढ़ना, जानना और उसे देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तब उन्हें बस केवल यही महसूस होता था कि ये केवल एक हॉबी है। जब वो लाइफ में आगे बढ़े और नौकरी करने लगे तो उन्हें महसूस हुआ शायद वो गलत जगह हैं। वो बहुत तकलीफ़ में रहते थे और उस तकलीफ़ के दौरान भी मूवीज़ देखना, उसके बारे में पढ़ना, जानना उन्हें बेहद सुकून देता था। सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि उन्होंने डिसाइड किया कि नौकरी छोड़कर मूवीज़ में ही अपना करियर बनाएंगे। एक समय के बाद वो बेहद सक्सेसफुल हुए। जब सक्सेसफुल हुए तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका पैशन उनको कहीं ना कहीं आवाज़ देता था, हिंट देता था, कहीं ना कहीं उन्हें बताता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो बहुत देर से इस चीज़ को समझ पाए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको भी हिंट दे रही है, सिग्नल दे रही है, जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि कहता है अवेकनिंग एंड फ्रीडम। दोस्तों, आपका पैशन बार बार आपको जगाता है और कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग देता है कि आप ये काम करके आज़ाद हो जाएंगे। ये काम आपको लिबरेट कर देगा, आपको आपकी तकलीफ़ों से पूरी तरीके से मुक्त कर देगा। क्या आपको भी महसूस होता है कोई काम ऐसा है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आप पहचान रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कहता है वर्क बिकम्स आर्ट, मतलब अब जो आपका काम होता है वो आपके लिए एक तरीके की आर्ट बन जाता है, कला बन जाता है। दोस्तों, जब आपको आपका पैशन मिल जाता है तो आप एक आर्टिस्ट की तरह महसूस करते हैं। आप घंटों अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी विल से, किसी एक्सटर्नल प्रेशर या दबाव से नहीं। आपको आपके काम के प्रति एक डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप होता है और आप महसूस करते हैं कि आपका काम आपके लिए बेहद ज़रूरी है और आप इसके बिना नहीं रह सकते। आप अपने आप को इससे दूर नहीं रख पाते। तो क्या कोई काम ऐसा है आपकी लाइफ में? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो कहता है ऑटो पुश एंड ऑटो सिस्टम। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो पैशनेट इंसान के अंदर अपने कार्य को करने का एक ऑटो पुश सिस्टम डेवलप हो जाता है और फंक्शन करता है। कहने का मतलब, इंसान को एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद काम करता है। इंसान खुद ब खुद मोटिवेटेड रहता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दुख हो, सुख हो, इन सबसे ऊपर उठकर एक पैशनेट इंसान पूरे कंसंट्रेशन और कमिटमेंट के साथ में काम करता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, कोई काम ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। आइए बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो कहता है मनी बिकम सेकेंडरी। जी हाँ, कुछ लोगों में पैशन मिल जाने के बाद पैसा भी सेकेंडरी हो जाता है। वो काम को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं कि पैसा कम आए ज़्यादा आए उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरीके से काम में ही लीन रहते हैं। हालांकि पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, सबको अच्छा पैसा कमाना चाहिए और काबिल इंसान का हक बनता है ज़्यादा पैसा कमाना, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है। हालांकि कुछ लोग पैशनेट होते हैं पैसा कमाने को लेकर, लेकिन शुरू में जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको कुछ भी रिटर्न नहीं आता तो भी वो नहीं रुकते हैं। उनके लिए मनी सेकेंडरी होता है इनिशियल स्टेज में। तो आपके पास भी क्या कोई ऐसा काम है, आपके पास भी कोई ऐसी आर्ट है जिसमें आप सेम फीलिंग के साथ चल रहे हैं? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट की तरफ, जो कहता है इट कंट्रोल्स यू एंड कनेक्ट विथ योर सोल, मतलब ये आपको कंट्रोल करने लगता है और आपकी आत्मा से कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनका पैशन उनको खुद कंट्रोल करने लगता है, उनसे खुद काम करवाता है और काफ़ी हद तक उनकी सोल से कनेक्ट हो जाता है। मतलब एक ऐसा काम जिसको लोग अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी मानने लगते हैं। वो मानने लगते हैं कि उनका काम और उनकी आइडेंटिटी एक ही है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? आपके साथ भी कोई ऐसा काम है जो आपको सेम फीलिंग देता है? तो मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं सेवेंथ पॉइंट की तरफ, जो कहता है इंटरनल हैप्पीनेस इन चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट। दोस्तों, एक्सपर्ट के अनुसार आपका पैशन आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस, मतलब आंतरिक खुशी और सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग देता है और आपके अंदर बच्चों जैसा एक्साइटमेंट डेवलप हो जाता है। वही एक्साइटमेंट जो शायद तेंदुलकर के अंदर 40 साल की उम्र में भी क्रिकेट खेलते हुए था। आप सीखने और बेहतर करने के लिए मजबूर से हो जाते हैं और अगर आपके अंदर इस तरीके का पैशन है, इस तरीके की एक्साइटमेंट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
आइए फाइनली बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कहता है पर्सनलाइज्ड फीलिंग ऑफ राइटनेस। दोस्तों इसका अर्थ ये है कि आपका पैशन आपको बहुत ही पर्सनलाइज्ड फीलिंग देता है। ये केवल आपको दिखता है, आपको महसूस होता है शुरू में, ये शुरू में आपके पेरेंट्स, आपके दोस्तों, आपको फैमिली को नहीं दिखता है, बाद में वो समझने लगते हैं ऐसा। दूसरी तरफ ये हमेशा आपको एक ये फीलिंग देकर कंटिन्यू कराता है कि आप सही कर रहे हैं, आप सही जा रहे हैं और एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो ऐसा कुछ है जो आपको सेम फीलिंग दे रहा है, महसूस करा रहा है कि आप सक्सेसफुल होंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे वो 8 साइन जो आपको आपके पैशन को पहचानने और ढूंढने में मदद कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आई होप इस वीडियो ने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, लोगों से शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।